का मर गया, समझ लो आपका बेटा हूँ मैं। एक नमस्ते प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों 12:30 बज गए हैं और हम खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच में हैं, है तो वेस्ट बंगाल में ही अभी। और दोस्तों नहा धो लिए हैं, चलते हैं अब खाना पीना खा के फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग भी कंटिन्यू बने ही रहना, ठीक है ना। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। तो चलिए चलते हैं अब। इस गाड़ी को देखिए भैया, ये पंपिंग सेट से बनाया जाता है। पानी वाला जो इंजन होता है ना, पंपिंग सेट, उससे बनाया गया है। और ये जनाब चल भी रहे हैं नेशनल हाईवे पर, जबकि कोई ऐसा परमिशन नहीं होता। अगर कोई बात हो जाता है तो इनको बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन गाड़ियों का पेपर वगैरह तो होता नहीं, रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए ये बाइक वाले भाई साहब ज़्यादा जल्दी में है ना। दोस्तों 2 बज गए हैं और वेस्ट बंगाल में हैं, बारिश देखो हो रही है। दोस्तों इधर साउथ और ईस्ट भारत में सबसे पहले मानसून आता है, इधर बरसात शुरू हो चुकी है। और ये साइड में देखिए धान की खेती है, कितना मस्त। देखिए इसी कहते हैं समय का खेल। देखो एक छोटी सी गाड़ी खींच रही इतनी बड़ी गाड़ी को, तो समय समय की बात है भैया। टायर में गिट्टी रोड़ी बहुत फंस जाता है और चलने में ही ये करता है आवाज़। और अगर इसको ना निकाला जाए ना, तो ये धीरे 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 क्या अंदर ही जाता है टायर के। वैसे ये तो मान लो चलो रेडियल है, इसमें कम जाता है, बाकी जो सादा टायर है ना उसमें घुस जाता है, पंचर कर देता है। 7:30 का टाइम हो रहा और अभी से आने लगा नींद, चाय पी के और गुटखा खा के चलना पड़ रहा। अभी बालेश्वर में है तो डाइवर्जन है, ब्रेकर देख सकते हो, रोड का काम चल रहा है। पहले रोड था 4 लेन, अभी 6 लेन बन रहा है। अभी बच गए हैं 3 और नींद बहुत आ रही थी, मुंह धोया और देखिए चाय पी रहे। और अभी इस टाइम समझ लो भुवनेश्वर पार करके 35-40 किलोमीटर आगे हैं। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, 1:22 हो गया और अब हम ब्रश कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे कि ऐसी क्या बात है, तुम 1:30 ब्रश कर रहे हो। दोस्तों दरअसल रीजन क्या था जो मैं आज 1:22 पे ब्रश किया, रात को भुवनेश्वर पार करके हम करीब 3:15 जब खड़े हुए तो वीडियो एडिट करने लगे। अब आप ये सोच लो मैं वीडियो एडिट कर रहा था, जो वीडियो अपलोड किया है आज, और पता नहीं कब मैं सो गया, ठीक है ना। मोबाइल किधर गया, मैं किधर गया, कुछ पता नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुल रही 6:00, एक बार आँख खुली फिर मैं सो गया, उठा 8:00, फिर मैं वीडियो एडिट किया, तभी वीडियो आज लेट गई। 1:40 का टाइम हो गया, कुछ ले लिया, देखो काजू और बादाम दोनों यही लेना था, ले लिया, चाय भी पी ली, अब चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। Play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah.
I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! Could try to play, but you never gonna be. 3:30 बज गए यार, बताओ अब खाना खा रहा हूँ, अब रात वाले खाने का क्या होगा? तो ऐसा है, यही सब प्रॉब्लम परेशानी होती है भैया। अब लोग बोलते हैं भैया आप अकेले रहते हो, दो आदमी रहो, खाना बनाओ, तो यार किसको पकड़ के हम बैठा लें बताओ? कोई आने को राजी नहीं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में पैसा नहीं है। मैं अकेला हूँ, फिर भी 20,000-25,000 महीने का बचा पाता हूँ। तो ऐसा है, कमाई धमाई अब कुछ रह नहीं गया, लेकिन बस मजबूरी है काम करना, क्योंकि काम ही नहीं है अपने देश में, जनसंख्या इतनी अधिक है। दोस्तों बॉर्डर पे हैं आंध्र के, और अम्मा देखो नारियल काट रही हैं, और मैं जा रहा था, ये बोलने लगी, बोली भैया बिकता नहीं, बूढ़ा आदमी है, ले लो खाने को नहीं है। हम बोले लो अम्मा 20 रुपए चाय पी लो, लेकिन इतनी ईमानदार है, पैसा नहीं ले रही। बोली नहीं एक नारियल ले लो, तो वही काट रही, बोलती 100 रुपए हम सब दे देंगे, देखो 5 नारियल था। अम्मा आओ, कोई नहीं है घर में, आओ। घर को मर गए, बहुत प्रॉब्लम है देखो। ऐसा होता है भैया, हिंदी समझती हो? थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा है भैया, और बाकी अभी समझ लो खाना पानी पी के खा के पी के फुल है, लेकिन क्या है ना, अम्मा ने रोक लिया। मतलब इनका कहने का अंदाज ऐसा था कि मैं, मेरा दिल पसीज गया। इसको क्या करेगा, हम खाएंगे, आप जाओ। बेच देना अभी और किसी को, ठीक है? हाँ, बेच देना और किसी को, समझ लो आपका बेटा हूँ मैं, ठीक? हाँ, तो ऐसा है भैया, क्या करोगे, ये दुनिया है। तो चलते हैं, अब रुका था इधर ही बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश की सरकार को कुछ दान पुण्य करने के लिए 500 रुपया चढ़ा के आया, और अब चलते हैं। साढ़े 6 बज गए और होने लगी बारिश, हम रुक गए चाय पीने, और यार क्या है ना, पंजा होने लगता है दर्द, जिससे एक्सीलेटर नहीं दबाते वो पंजा करने लगता है दर्द, और काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर रुके नहीं कहीं, नॉन स्टॉप चलते ही चले आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बारिश बहुत तेज हो रहा है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि फिलहाल हम अभी आंध्र प्रदेश में हैं, तो आंध्र प्रदेश के बारे में ही जानकारी है हमको, और बहुत आंधी चल रही है, यानी कि तेज हवा के साथ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इस मौसम में ज़्यादा ज़बरदस्ती करके गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब ना तो सामने क्लियर दिख रहा कुछ, और ना साइड शीशा में दिख रहा, तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी खड़ा कर देना ही ठीक होता है। गाड़ी खड़ा करके वेट कर लेना चाहिए, 1-2 घंटे बारिश तो थम ही जाएगा, और क्योंकि रोड जो गीला होता है इसका भी ध्यान रखना होता है गाड़ी चलाते टाइम, कि ब्रेक वगैरह तेज ना ब्रेक मारें, क्योंकि रोड गीला रहता है स्लिप होने का डर होता है ना, गाड़ी नाच जाता है, ब्रेक बराबर जब सभी टायर में काम नहीं करेगा, सभी चक्का में, तो गाड़ी नाच जाती है, स्लिप करने लगती है, तो यही सब होता है, इसी तरह की बहुत ढेर सारी परेशानियां।
कुल मिला के दोस्तों सावधानी से सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हमें हर जगह बोर्ड पे दिखता है, लिखा रहता है, तो इसलिए सोच के समझ के। दोस्तों 10:30 बज गए हैं और हम विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं। देखो कितना तेज हवा चल रही है, अब क्या बताएं, आंखें बोझल हो रही, जैसे कि बगैर पिए ही नशा हो रहा। जानते हो क्यों? उसका रीजन ये है, मौसम इतना बढ़िया, इतना मस्त है, हवा देखो कितनी तेज चल रही, मेरे हिसाब से मानो तो करीब 35-40 की स्पीड में हवा चल रही है। तो यही चाय पी लेते हैं, चलते हैं पेट्रोल पंप पे, आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे डीजल वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों 11 बज गए और हम खाना खा रहे हैं, आगे है हमारा पेट्रोल पंप, वहाँ चल के हम लेंगे डीजल। तो 12:20 का टाइम हो गया और पेट्रोल पंप पे आ गए विशाखापट्टनम, अब यहाँ डीजल लेते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।